कैसे कराएं, क्योंकि हमने ये टारगेट बना रखा था कि इस वीक में हमारा जितना लिथोस्फीयर वाला पार्ट है, तो स्थल मंडल वाला, वो कंप्लीट हो जाएगा। होप सो कल तक हो जाए। तो आइलैंड वो होते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरा स्थल भाग होता है, वो आइलैंड होता है। वो कई प्रकार से हो जाते हैं। कभी कभी हमारा कुछ पार्ट, स्थल का कुछ पार्ट अगर जल में डूब जाता है और चारों तरफ से जल घिर जाता है, तो वो एक आइलैंड बनता है एक तरीके का। या फिर कहीं प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा उभरी हुई भूमि होती है जो अंदर पहले डूबी रहती है, लेकिन पानी जो है कम होते होते धीरे धीरे तट के समीप जो होते हैं, वो जो है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के कारण दूसरी जगह चले जाते हैं, छिछले सागरों में चले जाते हैं। उसके कारण जो है वो उभर जाते हैं, ऊपर आ जाते हैं, और उस पर धीरे धीरे जो है कीड़े मकोड़े और ऐसे पता चल जाता है कि मतलब सारी चीज बसने लगती है वहां, एक इकोसिस्टम बस जाता है। तो ऐसे भी एक आइलैंड होते हैं, या तो उभर जाए वैसे, या फिर जो है उभरे ही द्वीप पहले से ही हैं। और एक होता है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी जहां पर जैसे समुद्रों में ज्वालामुखी उद्गार होता रहता है, तो कुछ ज्वालामुखी द्वीप होते हैं जो ज्वालामुखी के शांत हो जाने पर, सुसुप्त हो जाने पर, वो जो है द्वीप के रूप में बन जाते हैं। उसमें उद्गार की संभावना लगभग नगण्य होती है, क्योंकि उनके नीचे का जो मैग्मा होता है वो खत्म हो चुका होता है। और वह मैग्मा खत्म जब हो जाता है, तो उसका कीप जो होता है बीच का, वो बंद हो जाता है। ये एक कीप होता है जो अंदर के मैग्मा को बाहर आने का रास्ता होता है, इससे मैग्मा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है और ये बाहर निकलता रहता है। जब यहाँ का मैग्मा समाप्त हो जाता है, तो ये कीप बंद हो जाता है और यहाँ सेडिमेंट वगैरह जो है वो में आ करके धीरे धीरे बैठते रहते हैं और ये बंद हो जाता है पूरा। ठीक है, ये बंद हो जाता है। तो ये एक द्वीप के रूप में उभरा रहता है और बाकी इसका नीचे का पार्ट भी मतलब पानी के अंदर रहता है। ठीक है, ऐसे भी द्वीपों का निर्माण होता है। तो तीन तरीके हो गए, एक तो पहले से जिनका पहले प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा निर्माण हो चुका था जो तट के समीप थे, और एक इस प्रकार के जो जो है जल में से उभर आते हैं प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा। कई प्लेटें इधर उधर जब जाती हैं, छिछले महासागरों में वो चले जाते हैं, उसके कारण वो उभर आते हैं। या फिर जो है एक और भाग है कि जिससे जैसे मेन लैंड जो है हमारा, जैसे अफ्रीका है, तो अफ्रीका से टूट करके मेडागास्कर बन गया था। यहाँ हमारा मेडागास्कर है ये, और ये अफ्रीका का पार्ट है, यही से टूट है, अलग हुआ है। ठीक है, यहीं से टूट करके अलग हुआ है, तो वो भी द्वीप बन जाता है। मेन लैंड से टूट करके एक ऐसा टुकड़ा जमीन का जो जल में चारों तरफ से घिरा हो, हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो ये देखना रहेगा कि वो जल जल में चारों तरफ से घिरा हो, स्थल ऐसा स्थल जो जल में चारों तरफ से घिरा हो। तीन तरफ से घिरा हो तो क्या होता है, पेनिनसुला। ठीक है, प्रायद्वीप, जो भारतीय प्रायद्वीप है, जब भी कभी भारतीय प्रायद्वीप का नाम आता है तो उसे हम कहते हैं कि जो है वो तीन तरफ से जल से घिरा, इसलिए वो प्रायद्वीप है। ऐसा अरब प्रायद्वीप भी है, एक अरब प्रायद्वीप भी है, वो भी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। और एक ये तो बंद ही हो गया, एक चीज और होती है, हॉर्न, सींग, जानवरों के सींग होती है ना, वैसे हॉर्न होती है। तो अफ्रीका में है, अफ्रीका में हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, जो वही बगल में जहां से अरब प्रायद्वीप अलग होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है, ये सारे धरातल पे हम अभी देख रहे हैं। एक मैंने जो पेपर
पेपर भेजा है, उसमें से आप लोगों ने पेपर देखा, उसमें आया फियोर्ड। फियोर्ड का निर्माण कैसे होता है, फियोर्ड क्या है? तो जब हम जलमंडल करने लगेंगे, जब हम महासागर, उसके बाद सागर, फिर सागर की लहरों से झील झील कर लेंगे, या सागर बताते समय ही या महासागर बताते समय ही आपको बताएंगे कि महासागर की लहरों से निर्मित कुछ स्थल, महासागर की लहरों से निर्मित कुछ स्थल, जब महासागर की लहरें तट को, किसी स्थल के तट को छूती हैं या टकराती हैं, तो कुछ न कुछ ऐसी चीजों का निर्माण होता है, उनका हम नाम रखते हैं। जैसे आप सुने होंगे एक झील होती है तट पर, कौन सी झील होती है, कुछ नाम किसी को पता, जिससे जिस जिसका निर्माण लहरों से होता है? हेलो, हाँ नमस्ते। नहीं मैं तो नहीं गई, नहीं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, ठीक। मुझे नाम दिमाग में है लेकिन उसका नाम ही नहीं आ रहा है। हाँ लगून, वो लगून होती है जो सागर की लहरों से बनती है। सागर की लहरें तट से टकराती हैं और उसे बार बार तोड़ती रहती है, तोड़ती रहती हैं। तो एक ऐसा समय आता है जब हमारा तट जो होता है मेन लैंड, उसमें जो मेन लैंड होता है उसमें जो है, अभी बताते हैं आपको फिगर से, तो उसमें से वो जो है निकला हुक सा बना रहता है और उसमें पानी भर जाता है और उसे हम लैगून लेक कहते हैं। तो उसी तरीके से फियोर्ड तट भी होता है, फियोर्ड तट या रिया तट उसको बोलते हैं। कभी कभी रिया तट या फियोर्ड तट का निर्माण भी सागर की लहरों से होता है। तो अब सोचिए, इतनी छोटी चीज पूछ रहे हैं जबकि ये चीज उनको पूछनी नहीं चाहिए, ये तो ऑप्शनल का सब्जेक्ट का है। फियोर्ड क्या होता है, रिया तट क्या होता है, इसका मतलब है कि हमें, जब हम आपको पढ़ाएंगे ये सारी चीजें, तो छोटी छोटी चीजें भी हमको बतानी होगी कि इसका निर्माण कैसे होता है। ये जो मैं इस बार क्या, पिछली बार तो ये सब मुझे टॉपिक मिला ही नहीं था पढ़ाने को, तो इंडिया की ज्योग्राफी ज्यादा मैंने पढ़ाई थी पिछली बार, तो इस बार जो है मैं इसको अपने से ही सब, मतलब इसका फॉर्मेट बना रही हूँ कि मैं अगर ऐसे पढ़ाऊं तो जो है आपको ज्यादा लाभ होगा और जो है मुझे भी इसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मेरे पास भी एक बढ़िया नोट्स हो जाएगा धीरे धीरे करके, और मुझे भी तरीका पता चल जाएगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ इस फील्ड में, है ना, कि जो है मैं इसमें अगर पढ़ाऊंगी तो मेरा जो है जो सक्सेस रेशियो होगा वो ज्यादा होगा। क्योंकि अगर जैसे मैं हर चीज को टॉपिक टॉपिक वाइज लेके चल रही हूँ, एक भी चीज छोड़ नहीं रही हूँ, और जो छोड़ना है मुझे वो आपको बता रही हूँ कि इसे जरूर करना। आप जैसे मैं आज आइलैंड बताऊंगी तो आइलैंड के नाम बताऊंगी और मैप के साथ साथ बताऊंगी, और साथ जो हमारे महाद्वीप हैं, जो कॉन्टिनेंट हैं, उनके किनारे किनारे हम चलते जाएंगे एक तरफ से, तो आपको एक सीक्वेंस भी पता चलेगा कि कैसे हमें मैपिंग करनी है। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि मैपिंग कैसे करें, कहाँ से शुरू करें, ये नहीं पता चल रहा है। तो सबसे पहला हमारा पार्ट होता है कि हम मंडल में देखते हैं, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, ये हमने देखा था। तो हम स्थल मंडल की जब बात करेंगे मैपिंग में, तो हम स्थल का पहले बात करेंगे, तो स्थल मंडल की बात करेंगे। स्थल मंडल में हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सबसे बड़ी जो संरचना होती है, जो स्थल का सबसे बड़ा यूनिट होती है, वो क्या होती है, कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट देखेंगे हम, और उसी कॉन्टिनेंट को एक एक को पकड़ेंगे और किनारे किनारे उसके चलते जाएंगे, तब हमारा जो है वो सीक्वेंस में चलेगा और दिमाग हमारा सेट भी तैयार कर लेगा, याद रहेगा उसे। वरना अगर हम जो है, मतलब कि उलझा हुआ सा, जैसे कभी खेती किए होंगे आप, तो जो कुदाल होती है
जो गुड़ाई होती है, निराई होती है, वो आप देखते होंगे कि एक तरफ से शुरू की जाती है ना। खेती तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो वो कभी जैसे मजदूर आप लगाएंगे या फिर खुद अपने खेतों में काम करेंगे, तो जैसे आपका ये खेत है, तो आप ऐसा नहीं है कि दो कुदाल यहाँ मारे फिर कूद के यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, ऐसे नहीं करते। ये तो कॉर्नर वाला होता है ना, जो बच जाता है ट्रैक्टर से जुताई में नहीं हो पाता, तो उसे हम कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए जैसे गुड़ाई है किसी चीज की, अगर वो करनी है आपको, तो एक तरफ से हम एक मतलब सिरे से लेके चलते हैं। उसी तरीके से पढ़ाई में भी होता है। कभी कभी देखिए तरीका जो है हमारा बहुत ही देहाती तरीका होगा, लेकिन हम बहुत स्मार्ट तरीके से उसे कर जाएंगे। आप दंगल देखे होंगे, दंगल में आप देखे होंगे कि उनके पास पहले तो मतलब वो जाती हैं सीखने लड़कियां, तो उनको वो तरीका सिखाया जाता है जो शहरों की लड़कियां सीखती हैं। लेकिन उनके पिताजी से फोगाट जी थे, वो कह रहे हैं कि तुम वो तरीका ना अपनाओ जो वहां सिखाया जा रहा है, उससे तुम्हारा कुछ बन नहीं रहा काम। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तरीका अपनाओ जो हम घर पे करते हैं, जैसे है सब्जी काटना, जैसे अन्य चीजें, उस तरीके का जो काम करते हैं उस तरीके से तुम जो है कोशिश करो तो तुम्हारा काम बनेगा। तो वैसे ही करते हैं। और एक अक्षय कुमार की मूवी है, उसमें भी ये चांदनी चौक टू चाइना, उसमें भी देखिए वो जो सीखता है ये जूडो कराटे वगैरह जो भी कुंफू वगैरह सीखता है, तो उसको चाइनीज वाला तो आता नहीं, तो क्या करता है कि वो सब्जियां जैसे काटता है उस तरीके से अपना काम करता है, काट डालो मार डालो ऐसे तरीके का ना। तो वैसे देखिए वो तरीका तो देहाती था, लेकिन वो सक्सेसफुल होता है ना। तो आपका तरीका हो सकता है आपके लिए सूटेबल हो, लेकिन आपका तरीका दूसरे के लिए सूटेबल हो ये जरूरी नहीं है। तो आप अपने तरीके से जो आपको समझ में आता हो, जैसे मैंने कुछ तरीके बताए, किसी का नाम रख दीजिए, एक चिहुआ हुआ मैं बताती थी कि हम लोग नाम रखा करते थे, टकला मकान, जैसे आपसे वैसे पूछे आप रटेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा, तो अगर नाम रख देंगे, देखे मैंने बताया है तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा, मैडम ने बताया था चिहुआ हुआ किसी का नाम रख देंगे। कहाँ पे है चिहुआ हुआ? मैक्सिको में। सबके मुंह से आवाज नहीं आई है, मुझे सबके मुंह से आवाज चाहिए, ठीक है? मैं यहाँ चिहुआ हुआ बोली, तुरंत आपके दिमाग में चल जाए मैक्सिको। किस लिए जाना जाता है? चांदी के खनन के लिए। टकला मकान कहाँ पर है? चीन चीन में है। गोबी का मरुस्थल कहाँ पर है? में मंगोलिया, ठीक है? इस तरीके से देखिए जो चीज मैंने थोड़ा सा उसको जोड़ दिया किसी के साथ, वो आपको याद। और भी है कुछ? गुलाब कौन सा? गुलाब हाँ, और एक नूबियन मरुस्थल है, एक नामिब मरुस्थल है कहाँ? ये अफ्रीका में है, ठीक है? और नूबियन, नूबियन डेजर्ट, नूबियन डेजर्ट भी है। तो जैसे आपको जैसे नाम लेते ही पूरा लोकेशन याद होनी चाहिए, बस यही करना है। जैसे आज मैं जो आपको बताऊंगी आइलैंड, आइलैंड में मैं नाम बताऊंगी आपको और उसके साथ साथ लेके चलूंगी, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन उसकी जो है आप मैप में खोजेंगे। जब एक बार मैप में आप देखेंगे तो आपको खुद मालूम पड़ेगा कि ये कहाँ हम चल रहे हैं, कैसे कैसे। हम तो एक आउटलाइन मैप बनाएंगे, लेकिन आप वास्तविक जो एटलस है आपके पास उसमें देखेंगे, तो खोजने के क्रम में तब आप देख पाएंगे सीक्वेंस लेके चल रहे हैं हम, ठीक है? तो पहले हम नाम लिखते हैं, और ये बोर्ड छोटा है, दोनों साथ साथ काम नहीं हो पाएगा। इतने में हम नाम लिखेंगे और यहां बनाते हैं मैप। लाइट भी आज कुछ ज्यादा ड्रामा कर रही है। आइलैंड में देखिए, किसी आइलैंड पे किसी का जो है अधिकार है। जैसे एक आपको मिलेगा सोकोत्रा, सोकोत्रा पे यमन का अधिकार है, सोकोत्रा।
और ऐसे ही अपने देश में कौन सा आइलैंड है जो नदी के बीच में है, कौन सी नदी के? माजुली कौन असम में है, और जो कौन सी नदी में है? ब्रह्मपुत्र। ये अच्छी जानकारी है। और माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। इतना बड़ा नदी में द्वीप अभी तक नहीं पाया गया है, तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। अभी मैंने क्या बताया, कहा था कि आपसे बनाऊंगी, इसलिए बताऊंगी। फियोर, ये सागर का तट है। कौन सागर की लहरें जब इस तट पर टकराती हैं तो इसे तोड़ती हैं, और धीरे धीरे ये तोड़ के उस तरीके से संरचना बनाती हैं। ये आपका स्थल भाग है, ये स्थल भाग है। तो जब जब इसमें भर जाता है, ये हुक जैसी संरचना बन जाती है, तब ये होती है लगून लेक। ठीक है, जब इसमें आएंगे तब बताएंगे। लिया तट और फ्योर्ड भी तट में ही बनते हैं, ठीक है, ऐसे ही बनते हैं, लेकिन ये लगून जैसे गोल नहीं होते, उसमें जल अंदर तक नहीं जाता। ठीक है, जो मैंने पेपर भेजा है उसे आप देखिए, उस पेपर को देखिए और समझिए कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं क्या हम कुछ उसमें कर पाएंगे कि नहीं। ये भी बात है कि मेंस की थोड़ी अलग से क्लास चलती है, जैसे प्री में कुछ ऐसे टॉपिक है जो प्री में ही पढ़ाए जाते हैं, मेंस में नहीं पढ़ाए जाते, लेकिन मेंस का अलग से क्लास चलती है। तो मेंस में अगर हमको 20 भी क्लास मिल जाए तो हम जो ये पढ़ा रहे हैं ये सारा रटा होना चाहिए आपको। जैसे हमने बताया था कि हम पहले सब्जियां काट के रखते हैं और छौंकते हैं बाद में, रेसिपी हमारी तैयार रहती है पहले से, तो उसी तरीके से ये हम आपको जैसे आलू प्याज साफ काट के रख रहे हैं, तो जब हम पढ़ाएंगे आपको मेंस, मेंस का मतलब हमारी सब्जी बनने वाली है। ठीक है, तो मतलब ये सारी तैयारी हमारी होनी चाहिए, एकदम आपका माउंटेन सारी चीज एकदम तैयार रहनी चाहिए, फैक्ट फैक्ट। फिर जब हम कराएंगे तो आपको उसमें फैक्ट डालना पड़ेगा, कि जब जैसे फ्योर्ड हमने बताया तो फ्योर्ड में आपको एग्जाम्पल देना पड़ेगा, जब आप सागर तट के हर तट से परिचित रहेंगे तभी तो आप बता पाएंगे, तभी उदाहरण आप दे पाएंगे। और जो उदाहरण देता है ना, जो लिखने में उदाहरण देगा, 150 शब्दों में उदाहरण भी दे रहा है, लिख भी रहा है, उसी को नंबर सबसे बढ़िया मिलता है। पहले मैप बना लेती हूँ।
आप भी ऐसे आड़ा तिरछा थोड़ा बना लीजिए। ये आप लिख लेना। एक नंबर यहाँ। यहाँ पर आपका दो नंबर। देखिए हम इधर से ही नट पकड़ के चल रहे हैं, हमें इस तरफ से चलते समय एक दिखा केवल, ठीक है। ये हमें दिखा यहाँ पे एक व्यू। यहाँ पे एक ट्यूब देखा हमने। तीन नंबर। चार नंबर। पांच और छह, ये हम जो पिंक पिंक बना रहे हैं ना, ये आपके द्वीप हैं। नंबर एक तो हम अलग से कर रहे हैं, दिखाई दे रहा है ना सबको।
सात नंबर ये आपका सात नंबर है। आठ नंबर नौ नंबर फिर ये आपका ये पूरा है, ये पूरा ही वीकली है। ये आपका दस नंबर ये इनको क्यों टेस्ट करा मैं वैसे सबक हमारे दूसरे को फिर से इसको वापस लेके फिर इसको लगा हुआ क्योंकि पूरा तो हो नहीं पाया और हम 20 मिनट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। अभी सेट करा दी सेट करा दें कि बॉक्स में जाएगा सेट हो जाएगा तो फिर अभी ये भी कुछ सही है। आपने कर लिया ना, इसको मैं सेव करा रही हूँ वरना लाइट अगर कट गई तो हमें फिर से बनाना पड़ेगा। और एक कॉपी सेव करें इसे से मैं उठा के पहला आपका हवाई डबल आई है इसमें हवाई में ये है हवाइयन इसमें भी हवाइयन लिखा जाता है दो नंबर पॉपलैंड सबके सामने आप आईलैंड लिख के जाएंगे। आईलैंड का सिंबल आई और एस लिखा जाता है डॉट लगा के। ये है पॉपलैंड तीन
निदान टोबैको Trinidad and Tobago. Dominican Republic. चार नंबर आता है डोमिनिकन रिपब्लिक. Jamaica. लिख लिए. जो ना समझ में आया पूछ लीजिए. एक नंबर यहाँ पर है आपका हवाईयन आइलैंड, इंग्लिश वाले लिखेंगे हवाई द्वीप, हिंदी वाले. दो नंबर फॉकलैंड, तीन नंबर ट्रिनिडाड टोबैगो, चार नंबर डोमिनिकन रिपब्लिक, पांच नंबर जमैका. ठीक है, पांच तक लिखिए. कुछ ठीक लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सीक्वेंस आपको समझ में आ रहा है. अब जब आप मैप में देखेंगे ना, हमारा तो छोटा हो गया थोड़ा, तो मैप में देखेंगे तो आपको सीक्वेंस में वो दिखेंगे. खोजना, उसमें आज का काम मैं आपको दूंगी खोजना, और कल आपसे मैप लाके यहाँ किसी से भी यहाँ दिखवाऊंगी कहाँ है, दिखाओ. जो देखा रहेगा वो तो तुरंत ही दिखा देगा. कल का आपका यही रहेगा, एक बार आपको मैप में दौड़ाएंगे पूरा, ताकि आप पूरा वर्ल्ड देख लो. हो गया, आगे चलेंगे. अब वही वाला मैप उसको फिर से जरूर. कहाँ है वो, मुझे दिखाओ जिस पे मैंने लिखा नहीं था. ले आओ, निकालो उसको. नहीं आ रहा, सेव वाले में देखो. आओ आओ, देखो तो, क्योंकि अब मैंने पांच तक इसमें लिख दिया. अब वो वाला मुझे मिल जाएगा तो पांच और लिख दूंगी उसमें. सेव फाइल में देख लो एक बार, क्या पता तुम मिले. वैसे सेव नहीं होती, एक ही बार पूरी.
बस ये वाले नेम तो अगर मैं इसको डबल फिर पहुंच गया ना इसके हां ले पिटा के लिख देते हैं ना एक ही नंबर पर छह भी नहीं छोटा नहीं करना आप कुछ काम करता है मुझे ये बना नहीं रही हूँ क्योंकि छह नंबर ये छह नंबर आपका युवा नंबर ही थोड़ा सा गड़बड़ हो गया सात नंबर मुझे यहाँ नहीं बनाना चाहिए था लेकिन पूरा मेरा बन ही चुका है बोर्ड तो सात नंबर ये है ये आपका है बोर्ड एक बार ये सात नंबर के पॉइंट ये ग्रह है ग्रह मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर में ठीक है नॉर्थ अटलांटिक में है ये और ये अफ्रीका और ये जो भूमध्य सागर है भूमध्य रेखा अभी तक सुने होंगे आप भूमध्य सागर इसे बोलते हैं जो अफ्रीका के शीर्ष पर है और यूरोप और इधर इटली है यहाँ पे इटली है भी इसी भूमध्य सागर में है और इसी में एक छोटा सा अभी द्वीप मिलेगा आपको साइप्रस अभी आगे आएगा तो सात नंबर जो है इधर के पार्ट का है इस वाले तट का ठीक है आठ नंबर Hey, hey, hey.
ये एम ए एस इसका पार्ट है एस ब्रह्मा का नाम ही है का ब्रह्मा या इसे ब्रह्मा का आईलैंड भी कहते हैं। नौ नंबर बरमूडा, नौ नंबर ये है बरमूडा, दस नंबर ग्रीनलैंड, दस नंबर ये है आपका ग्रीनलैंड, लिख लीजिए आप, इसे सेव करा देंगे, फिर पता नहीं फिर वापस आई तो मुझे तो सादा ही मैम चाहिए। अभी सर इधर का तट मेरा हो गया, इधर मिटा दूंगी, उधर का ही फिर बनाऊंगी सिर्फ। हो गया सभी का, किसी का बाकी बाकी हो तो बता दीजिए, क्योंकि मैं इसे अब डिलीट करने जा रही हूँ, मतलब सेव करके आगे बढ़ूंगी, दूसरा फिर बनाऊंगी। अमेरिका को मैं छोटा कर देती हूँ, इधर का तो सारा हमारा हो गया है। आपका ग्रीन लैंड यहाँ पर था, ठीक है, ये एक जगह है, ये 11 नंबर है। अब हम इधर के तट पे चल रहे हैं, सी ग्रीन लैंड के बगल में आपको 12 नंबर मिल जाएगा, तो
तेरा नंबर, ये वाला तेरा नंबर है, ये चौदह नंबर, ऐसी फिर सही कर दी हूँ, 11, 12, 13, 14। बस यहाँ इतने हैं अंक तक। अभी अभी इसके बारे में बताया था, ये 16 नंबर, नंबर अठारह नंबर, उन्नीस नंबर, फिर हम दस लिखेंगे। ये काम आप करते रहेंगे, मैं कहीं छोड़ देती हूँ तो आप करते रहेंगे, इसमें आईलैंड और हिंदी वाले द्वीप देखते रहेंगे साथ साथ। ये है स्वालबार्ड द्वीप, 11 नंबर आता है, यहाँ पर है ये, और ये सारे जो मेन लैंड हमारे हैं इसके सबसे उत्तर में है स्वालबार्ड। बारह नंबर आइसलैंड,
13 नंबर फैरो, स्वाब वार्ड के बाद फैरो है, आया पेंट 14, 15 नंबर दो, बंद कर देखिए। हो गया फिर बनाना पड़ेगा ना, फिर बेटा आपने नंबर डाले रखे जो मतलब बैग बचा के 15 तक हुआ है ना, 15 फिर मैं बनाती नहीं हूँ, आपने नंबर लिख लिए हैं, मैं आपके आप केवल लिख देती हूँ, ठीक है। 16 नंबर, मेडागास्कर, मॉरिसस, मॉरिसस 18, एस एस
एगो गार्सिया 19 नंबर और 20 नंबर सुगोत्रा इस पर हेमंत का उच्चार है सपोत्रा का साथ आइलैंड आप लिखते रहेंगे है। 30 है टोटल नहीं और भी है 30 मतलब और भी है टोटल 40 है बाद में एक तो चले जाते हैं तो फिर सबका मन लगने लगता है कि चले जाएं चलो ठीक है कल करा देंगे ठीक है अनिकेत चाहता है आज ही करा दें हम भी चाहते हैं आज ही करा दें लेकिन कुछ बच्चों को लेट हो जाता है क्योंकि अब जल्दी जो है शाम होने लगी ना बहुत बच्चे देर दूर से आते हैं इसलिए कल करा देंगे ठीक है और अगर आप इतना तैयार कर लिए तो ये जान लीजिए कि बहुत सारे लोग इसे साल भर में नहीं तैयार कर पाते हैं लेकिन जिस तरीके से मैं करा रही हूँ क्योंकि बात यह है ना आप मैथ उठाओ एक चीज देखोगे 100 चीज मिलेगी आपको तो आप 100 के चक्कर में पढ़ते हो एक छोड़ देते हो तो मैं जितना मतलब इसे सिंपल कर दे रही हूँ अगर आप इसको वैसे ही करते जाओगे तो आपको पूरा रट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको कितनी चीजें आ गई तो आप इतना तैयार करके आना कल एक तरफ से हम पूछना शुरू करेंगे ठीक है इतना अगर आप तैयार कर लीजिए ना तो समझ लीजिए बहुत आगे निकल गए आप बहुत लोगों से बहुत आगे क्योंकि मैपिंग सब लास्ट में पढ़ते हैं हम आपको पहले ही बताते चल रहे हैं मैपिंग तो सब पढ़ते हैं जब एग्जाम 1 महीने रह जाता है लेकिन आप पहले से करते रहेंगे तो आपको याद नहीं और हाँ राजधानी आप याद करते रहिए आज मैं आपको एक जो है ग्रुप में फोटो भेजूंगी नाम और राजधानी हिंदी में है लेकिन फिर भी आप जो है उसको रट लेना ठीक है फोटो आज मैं भेज दूंगी आपको और कोई क्वेश्चन हो आपका जैसे कुछ लोग रुकते हैं अगर उन लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं अभी क्योंकि मैं भी रुकूंगी जो अगर जाना चाहे जिनको देर हो रही हो जा सकते हैं और अगर जो रुकना चाहे क्वेश्चन वगैरह पूछना चाहे कुछ तो पूछ लीजिए सेव कर दें हाँ हो सकता है लाइव कट जाए I don't know.